आप ये मैप देख रहे होंगे, ये नागौर का है, राजस्थान नागौर का। मैं जहाँ रह रहा हूँ वो रह रहा हूँ मोती भवन धर्मशाला बीकानेर, और मुझे वहाँ से जाना है नागौर। और आप इसमें देख रखे हैं 2.5-1.5 घंटे का रास्ता दिखा रखा है। मैं एक्यूरेट इतने ही उस पर पहुँचा हूँ, 2 घंटे के आसपास ही पहुँचा हूँ। मतलब तो मुझे जो नागौर गया था तो मुझे इतना ही टाइम लगा था, ना कम ना ज़्यादा। और मैं सुबह जल्दी निकल गया था इसमें भी, क्योंकि बहुत दूर है। इसमें तो टाइम दिखा रखा है 116 किलोमीटर लगभग, और जो मैं पहुँचा हूँ 134 किलोमीटर के आसपास पहुँचा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। इतना तो 134 से 132 किलोमीटर के आसपास है मैं इतनी दूर। और मैं वही किया था, सुबह जल्दी निकल गया था वहीं से, जो बीकानेर के बस स्टैंड से जल्दी बैठ गया था वहाँ से, फिर मैं जल्दी गया। और मैं ज़्यादा देर नहीं, हाँ, और मुझे जो मिली थी नागौर एक्सप्रेस मिली थी, आई थिंक आते हुए नागौर एक्सप्रेस मिली थी यहाँ की लोकल आते हुए। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, कोई ना कोई बस आती रहती, कोई ना कोई बस जाती रहती है, आपको कोई ना कोई मिलेगी। लेकिन वही है, जितनी लेट आप निकलते हो तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुबह निकल गया। और मैं वाकई में 2-2.5 घंटे में पहुँच गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित एक धूल भरा शहर नागौर भारत के राजपूताना इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागौर क्षेत्र में 2 प्रमुख किले हैं, जैसे कुचामन किला और छत्रगढ़ किला, जिसका अर्थ है होड़ वाले कोबरा का किला, जो नागौर किले के रूप में भी लोकप्रिय है, जिसकी कुचामन किले का इतिहास 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जब राजपूत शासकों में ने एक पहाड़ की चोटी पर अभेद किले का निर्माण किया था, और इसका इस्तेमाल सोने चांदी के सिक्कों को ढकने के लिए किया गया था। माना जाता है कि चित्तौड़ किला 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनवाया गया था। नाग शासक नागौर का उल्लेख महाभारत के महाकाव्य में भी मिलता है। कहा जाता है कि चित्रगढ़ या नागौर का राज्य उस क्षेत्र का हिस्सा था जिसे पांडव राजकुमार अर्जुन ने जीत लिया था और बाद में अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट किया गया था। नागौर का किला जोधपुर से लगभग 137 किलोमीटर उत्तर के एक क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के किले में कई जगहों में से ये नागौर किला प्राचीन राजस्थान के इतिहास का एक अद्भुत और आकर्षक नमूना है, जो एक कलात्मक पारंपरिक जीवन शैली और नागौर में प्रवेश करते ही इसकी खूबसूरती आपके आकर्षण कर लेती है। इसकी 2वीं शताब्दी में नागवंशियों ने नागौर के किले का निर्माण किया, और इसका पुनर्निर्माण गनवेटसन के गवर्नर मोहम्मद बहलीम द्वारा किया गया, जो ऊंची दीवारों और बड़े परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नागौर दुर्ग स्थित नकाश दहेली और त्रिपोली के 3 द्वार आपका स्वागत करते हैं। इसके अंदर का महल, फुहारे, मंदिर, खूबसूरत बगीचे भी बनाए गए हैं। शहर में स्थित राजस्थान के किले को देखने के लिए देश विदेश के कई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। नागौर का नाम नागपुरा से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है नागों का शहर। ये क्षेत्र 7वीं शताब्दी के बाद तक नाग शासकों के नियंत्रण में था, जिस पर चौहानों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, और 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच नागौर के सिंहासन पर कई मुस्लिम और अरब आक्रमणों ने कब्जा कर लिया, और अतः 18वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों ने अधीन आगे और प्रत्येक आक्रमणों के साथ 4वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए नागौर की मिट्टी के किले का बदल दिया गया, और राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक सुंदर सम्मेलन बनाने के लिए कई संरचना जोड़ी गई है। नागौर किला राजस्थान के कई पहाड़ियों किले के विपरीत समतल भूमि पर बना गया, और जो मध्यकालीन व्यापारिक मार्ग पर साथ खड़ा था, और चौड़े समतल विमानों से घिरा एक किला अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से अपने शासकों के सैन्य और आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। किले की दीवारें का निर्माण
12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान 5000 फीट की लंबाई में किया गया था और इसमें 24 सुरक्षा टावरों सहित जुड़वा दीवारें भी शामिल है। सीमांता की दीवारों की विपरीत में फैले कई मंदिर, मस्जिद, महल जो कि कई शताब्दियों के शासकों द्वारा किले पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए थे। नागौर किले के इतिहास के बारे में बात किए कि इस किले का चतुर्भुज किला भी कहा जाता है। इस यहाँ दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस किले का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है। इस किले का निर्माण मुगल राज शाहजहाँ और अकबर के क्षेत्र शासकों के शासनकाल में करवाया गया था, लेकिन इसे मूल रूप से नागवंश क्षत्रिय द्वारा बनाया गया था और इसके बाद इसे मोहम्मद बहलीम द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। ये किला पिछली शताब्दी में कई लड़ाइयों का गवाह बना है। नागौर के प्राचीन शहर के केंद्र में उत्तर भारत के पहले मुस्लिम गढ़ों में से एक छत्रगढ़ किले का किला है, जिसमें 12वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और बाद की शताब्दी के बार बार बदल दिया गया। इसके पुनर्निवास के लिए परियोजना जिसमें कई कारीगरों का प्रशिक्षण शामिल है, न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करता है। प्राथमिक उद्देश्य एकल भवनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना नहीं था, बल्कि आगे ही क्षतिज को रोकने और योजना बनाने के लिए पूरे किले के परिसर को पुनर्स्थापित या पुनर्जीवित और संरक्षित करना था। सार्वजनिक पहुंचने के लिए इसके प्राप्त करने के लिए अवगत अनुभव को बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों को जीवित वास्तुकला और साइट की ऐतिहासिकता के साथ सहानुभूति में होना था। पहले के युग की सामग्री और निर्माण विधियों को फिर से खोजा गया, पेंटिंग और स्थापित सुविधाओं को संरक्षित किया गया और 7 क्रमिक द्वारों के माध्यम से पहुंचा ऐतिहासिक पैटर्न को फिर से बनाया गया। जटिल जल प्रणाली की खोज और बहाली एक मुख्य आकर्षण था। 90 फुहारे, एक बगीचा और इमारतों में चल रहे यहाँ परियोजना की शुरुआत में कोई भी काम नहीं कर सकता था। किले की इमारतें और स्थान दोनों भार और आंतरिक और सुविसंगत कमरों के स्थल, मंच और घर के रूप में काम करते थे। यहाँ नागौर दुर्ग में स्थित नाकाश डेली और त्रिपुलिया तीन द्वार आपका स्वागत करते हैं। उनके अंदर का नए फुहारे, मंदिर, खूबसूरत बगीचे भी बनाए गए हैं। शहर में स्थित राजस्थान का किला को देखने के लिए बहुत सारे विदेश विदेश के कई सारे पर्यटक में आते हैं। राजस्थान के किला नागौर की इतिहास देखते तो ये नागौर राजस्थान के अनेक किलों की तरह ये नागौर किले का भी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और कुछ ही मिनटों में इतिहास के बारे में नागौर के किले के बताते हैं कि कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनमें से इसका नाम इस तरह से नाग दुर्ग, नाग दुर्ग और छत्तीसपुर नामों से भी पहचाना जाता है। ये नागौर किले के प्रमुख 7 द्वार हैं, जिनमें से पहला लोहा लकड़ी के नुकीले किलों से बनाया गया था, दूसरा विचलित पोल, तीसरा कचेरी पोल, चौथा सूरज पोल, पांचवा दुर्ति पोल और छठा राजपोल, सातवा द्वार न्यायपालिका के रूप में जाने जाते हैं। आभा महल आज नागौर किले की सबसे कलात्मक संरचना और दीवारों और छतों की पूरी लंबाई की और चौड़ाई के सुशोभित करने वाले जटिल विचित्र और चित्रों को के साथ आभा महल में अमाम फारे चैनल और आंतरिक रूप से सौंदर्य शस्त्र को बढ़ाने के लिए डिजाइन के लिए गए कक्षों जैसे खूबसूरती की डिजाइन की गए जल निकाय भी हैं। महलों के केंद्र में स्थित एक विशाल चिमनी की तरह हवा का मार्ग, इसी छतों से हवा पहुँचाने कर प्राकृतिक हवा की स्थिति के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आता है दीपक महल। अब दीपक अपने नाम से अनुरूप है, नागौर जिले में दीपक महल को इसकी दीवारों पर दीपक रखने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में
कई महत्वपूर्ण समारोह और अवसरों के दौरान दीपक महल में लोक और शास्त्र संगीत प्रदर्शन हुआ। नागौर किले के रणवास होटल में ठहरने वाले मेहमानों के लिए आज भी दीपक महल में प्रदर्शन व्यवस्था की गई है। दीपक महल की महल से खूबसूरती से चार चांद लगा दिया है। दीपों की सुनहरी रोशनी के जगमगाते सर्दियों पुराने महल के बीच की एक संगीतीय और सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने की कितना स्वर्ण अनुभव होता है। अकबर महल या शेष महल नागौर किले में अकबर महल का एक निर्माण मूल रूप से वर्ष 1556 में अजमेर के राजपाल के शक्तिशाली मुगलों द्वारा नागौर के शहर की पुण्य विजय की याद में किया गया था और अकबर महल की ललित कला और वास्तुकला मुगल और राजपूताना कला दोनों को अभियारण का प्रतिदिन करती है। महल के आंतरिक हिस्से की शीशे और शीशे के कलांकृत किया गया है और जिससे इसे शीशे का महल का नाम दिया गया। हालांकि महल का बड़ा परिसर खंडर में है, लेकिन प्रतिबंध दीवारों के आकर्षण को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। नागौर किले में सीमा सुरक्षा बल के कारण 1970 के दशक के दौरान जब पाकिस्तान के भारत के राजनीति इधर उधर तेज हो रही थी, नागौर किले को भारत पाक सीमा से नागौर के निकटता के कारण शिविर स्थापित करने के लिए BSF बलों को पट्टे पर दिया गया था। हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही क्षण किले के का घातक साबित हुई, क्योंकि किले में तैनात सैनिकों के ज़्यादातर ऐतिहासिक संरचना को बलबे में तब्दील कर दिया। नाजुक झरोखे मेहरबों और खिड़कियां पर सीमेंट का प्लास्टर भी किया गया था। दीवारों पर ताजमहल जितना पुराना पेंट लगाया गया था। कई वर्षों के याचिकाओं को मुकदमों के आखिर 1995 में भारत सरकार ने अपना पट्टा छोड़ने के लिए राजी कर दिया गया। बिरादरी के रणवान में बदल दी गई एक लग्जरी होटल बिरादरी और 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित राजपूताना शासक महाराजा भगत सिंह की कई पत्नियों के आवासों के बहाल कर दिया गया और स्वाधीनतापूर्ण रणवास होटल के लग्जरी आवास में संबोधित किया गया। और रणवास में 10 हवेली हैं। हवेली में से 33 अच्छी तरह से नियुक्त लग्जरी कमरे हैं और साथ ही एक स्विमिंग पूल है और एक पूरे दिन बैरेट्री डाइनिंग मंडप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों के साथ साथ अरमानी मुगल सोफे व्यंजन पेश करता है। डिजाइनर तक के रूप में खाने का उपयोग नागौर के बारे में सबसे प्रभावशाली बात किले में जटिल जल व्यवस्था है। किले की आंतरिक और बाहरी वास्तुकला दोनों के साथ कई पानों की विशेषता जैसे निकाय टैंक और फुहारे खूबसूरत में एकत्रित कर देती है। पानी की आपूर्ति प्रणाली का एक व्यापक नेटवर्क जिसे चारकुएं है और एक बावड़ी शामिल है जो मिट्टी के पाइपों के लिए जटिल नेटवर्क के माध्यमों से जुड़ा हुआ है और कई टैंकों में फीडिंग शासकों के धैर्य का एक विषमतम जो शुष्क पृथ्वी में भी आराम में सुनिश्चित करता है। वर्ष संरक्षण प्रणाली को डिजाइन करने के लिए तालाबों और गंधकों को फिर से भरने के लिए पुनर्निर्देशित करके अपशिष्ट जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए भी प्रयास विचार किया गया है। नागौर के लिए कि मैं वार्षिक सूफी महोत्सव, यदि आप संगीत के प्रेमी तो फरवरी के महीने में नागौर के लिए में आयोजित होने वाले वार्षिक सूफी महोत्सव में शामिल नहीं हो पाओ होना पाप होगा। त्यौहार ही मेज़बानी के लिए पूरा किला सैकड़ों रोशनी से जगमगाता है। ऐसा ऐतिहासिक रचनाओं के बीच गुजरने वाले भावभूम सूची संगीत को सुनना एक अलौकिक अनुभव है। नागौर का एक अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण इसका पशु मेला, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। पर्यटक प्रभावित पशु पुष्कर ऊंट मेले के विपरीत नागौर पशु मेला अधिक प्रमाणित और विविध। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में एक सप्ताह से अधिक समय तक
लगने वाले मेले के दौरान बैलों ऊंटों और घोड़ों के हजारों क्रम में व्यापारी व्यापार करते हैं। भागवत मेले का स्थापत्य वैभव जल प्रणयों से जुड़ी विभिन्न स्थानों और राजपूताना और मुगल शासकों का प्रयोजन के सुंदर छतों झारों का घुमाव दर प्रेरित और मेहरबान के नक्शीदार पत्थर की जाली और दीवार पेंटिंग और दर्पण का काम है। इस यह अफसोस की बात है कि इस तरह के स्थापित और ऐतिहासिक महत्व वाला किनारा स्थान पर आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध नहीं है। वासुकला का दावा है कि इस परियोजना ने उन्हें पहले के युग के सामग्री और निर्माण विविध को फिर से खोजने में सक्षम बनाया है, जिनमें से कई समय और प्रकार की कसौटी पर खुद खड़े उतरे हैं। किले के ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए संरक्षण में उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामग्री वही थी और जो मूल निर्माण के उपयोग थी। हालांकि अतिरिक्त ताकत, तेज उत्पादन गति और लचीलापन के लिए कई नई सामग्री, विविध और छोटी मशीनें लगी हुई थी। चयन और खरीदे हुए इमारतों के ऐतिहासिक विशेषता और सामग्री की उपलब्धता, गुणवत्ता, मात्र और लागत के अनुपालन पर की गई थी।